अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। और आज जहरा की जो है बर्थडे है, और सुबह से जो है हम सब सफाई में लगे हुए, तो यह है कि जहरा भी सफाई करेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जरा क्या करेंगे, डस्टिंग कर रही है। अच्छा, बच्चों की खुशी का अंदाज़ा आप इस तरह लगा सकते हैं। देखिए दोनों माशाल्लाह एक साथ डस्टिंग, सफाई और बेडशीट बिछाना और सब कुछ साथ साथ दोनों बहन भाई माशाल्लाह कर रहे हैं। तो बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी आई है। मैं किचन की तरफ, जी हाँ, ये चावल का पानी है और चावल मैंने भिगो दिया। यखनी मैंने बना ली है पहले, तो ये है कि चावल भिगो के रख, ये मैं साथ साथ सलाद काट रही हूँ। ये सब सलाद वगैरह रेडी करके रख लूँगी, फिर मेरी यखनी भी तैयार है। तो जो बेटियाँ होती हैं वो तो अल्लाह ताला की रहमत होती हैं, और हम क्यों ना उनका ख्याल रखें। तो जहरा ने बहुत हमें जो इंसिस्ट किया कि नहीं मम्मा, तो बहुत छोटा सा फंक्शन है घर घर का ये बिल्कुल, और मतलब मुख्तसर सा हमने इसी तरह से घर घर में सजा लिया कर लिया, बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं किया। लेकिन यह है कि बस इससे ही वो इतनी खुश हो गई माशाल्लाह, इतनी खुश हो गई जहरा भी और उनके भाई वगैरह भी। तो बस जब बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप भी खुश होते हैं। बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। ये देखिए मेरी यखनी भी तैयार है और ये प्याज ब्राउन कर रही हूँ, और जो मसाला ये हम देखिए सलाद मेरे माशाल्लाह से रेडी कर लिया है। और जो है कि अब जो पेस्ट मैंने बना के रखा था वो प्याज ब्राउन करके थोड़ा निकालूंगी और बाकी प्याज में वो पेस्ट डाल दूंगी। और फिर एक तरफ मैंने चार पाँच टमाटर और का ये पेस्ट डाल रही हूँ, और चार पाँच टमाटर काट के रखा है, और उसमें गरम मसाला और यखनी पुलाव मसाला भी डाल के और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के रख, ये रहा, इसमें गरम मसाला डाल दूँगी तो ये भी डालूँगी साथ। बहुत मज़े की बनती है यखनी पुलाव, ये ना खाने में भी बहुत 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 मज़े की होती है। तो ये कि मेहमान भी माशाल्लाह से सब आ गए हैं, मेरे दो भाई हैं, दोनों भाई और भाभियाँ। ये कि आधे घंटे पहले उनको फ़ोन किया था मैंने, कहा अगर आप लोग आ जाएं तो अच्छी है, अच्छा हो जाएगा, ज़रा खुश हो जाएंगी नानी को और सबको देख के, वरना तो ये है कि फिर जो है हम घर घर में ही, मैं और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम जो है ना केक काट लेंगे। तो ये अल्लाह का शुक्र है कि ये लोग आ गए। तो ये मेरी भतीजी है, दादी की गोद में बैठी हैं, और ये रिंग दिखा रही हैं जो इनके दादा ने इनकी पैदाइश पर दिया है, तो वो पहन कर आई हैं ये रिंग। तो ये मेरे भाई वगैरह माशाल्लाह सब, ये देखिए ये मुख्तसर सी हमारी जो है सिंपल सी सादा सी सजावट है, ये सिर्फ इसलिए कि जहरा हमारी माशाल्लाह खुश हो जाए। बस ये जहरा की ही, जहरा के ही कज़न्स आ गए, बस अब बिल्कुल केक काटने का टाइम है। बस इंशाल्लाह ताला इसी तरह साथ जुड़े रहिएगा। इट्स योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, इट्स योर बर्थडे, it's your birthday, it's a great day, it's a great day, happy birthday to, happy birthday to you। माशाल्लाह जहरा ने केक काट लिया है और बैलून्स फट गए। अब माशाल्लाह ये खाना खाने का टाइम है। तो ये देखिए ये वखनी पुलाव है जो मैंने बनाया था, ये बहुत देखने में देखिए कितना खूबसूरत है, बहुत मज़े की बनी है। ये मेरी बड़ी भाभी जो सर्व कर रही हैं, इनको खाना निकालने का बड़ा सलीका है, तो मैंने कहा आप ही मतलब खाना निकालें, दस्तरखान पर आप ही रखें। और ये माशाल्लाह सारे बच्चे बैठे हुए हैं, बच्चे तो पहले बच्चों को खिलाया जाएगा। मैंने कहा ये देखिए सारे माशाल्लाह बैठे हैं सब बच्चे, तीनों भतीजे मेरे, जहरा भतीजी और जहरा के एक दो दोस्त आएंगे। हम माशाल्लाह बस हमें जहरा की खुशी वो है कि जहरा खुश है तो हम भी खुश हैं। माशाल्लाह देखिए बहुत खुश है वो, और मुख्तसर सी ये हमारी जो है दावत है, ये मुख्तसर सी ये है कि मिल बैठने का बहाना है, बस सब साथ हो गए ये बड़ी बात है। और यहाँ ये देखिए अम्मी मुझे खिला रही हैं। माँ के लिए तो जो औलादें होती हैं वो बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही होते हैं, जितनी भी बड़ी हो जाएं बूढ़ी हो जाएं, लेकिन वो अपनी माँ के लिए जब तक माँ ज़िंदा है तो वो छोटे बच्चों की तरह ही होती है। और जब तक अम्मी मुझे खिलाएं ना आने के बाद, तो ऐसा लगता है
खिलाती भी हैं, गोद में सुलाती भी हैं। तो माँ का जो है, मेरी माँ अल्लाह मियाँ हमेशा मेरी माँ को कायम उदायम रखे। ये देखिए सारे कज़न जो हैं आपस में जमा हैं यहाँ पर। ये देखिए ज़ारा फातिमा माशाल्लाह कितनी खुश नज़र आ रही हैं। तो ये हमारी अम्मी हैं और ये जो है बिल्कुल देखें कैसे फटाफट अबाया पहन के रेडी हो गई हैं जाने के लिए। और ये आ जाए तो दिल चाहता है कि ये जाए ना, ये रुक जाए। लेकिन जब से हमारी भतीजी माशाल्लाह हुई है तो ये ऐसी हो गई है कि ना ये उनके बगैर भतीजी के बगैर रहती है, ना भतीजी इनके बगैर रहती है। लेकिन दिल चाहता है ये आ जाए तो कुछ दिन हमारे पास रुक के जाए, लेकिन ये रुकने को तैयार ही नहीं होती है। देखिए सबसे पहले अबाया पहन के बैठ गई कि कहीं मैं उनको रोक ना लूँ। और इनके आने से बड़ा दिल खुश भी होता है। ये देखिए माशाल्लाह सब रेडी हो गए जाने के लिए, बस इनके जाने का टाइम है। तो आप इनको इजाज़त दीजिए। ये देखिए ये अल्लाह हाफिज़ करेंगे सब। उसके बाद हम ज़हरा को है माशाल्लाह फंडलाइन लेके जाएंगे, क्योंकि ज़हरा की बर्थडे की हमने कोई गिफ्ट नहीं लिया और ज़हरा की बर्थडे की यही गिफ्ट है मेरे और मेरे हस्बैंड की तरफ से कि अभी हम उसे फंडलाइन वगैरह लेके जाएंगे, आइसक्रीम खिलाने लेके जाएंगे। तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाकी ये लोग अभी जा रहे हैं मेरे घर वाले सब, क्योंकि बहुत लेट नाइट हो गया है और इनको कोठरी जाना है, बहुत दूर का सफ़र है इनका। तो ये देखिए सब अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। अब ये मेरी बड़ी भाभी हैं, ये भी जा रही हैं, अम्मी भी जा रही हैं, ऑटो में जाएंगी। फिर इसके बाद मैं भी इंशाल्लाह ताला बच्चों को लेके पढ़ लेने जाऊँगी हस्बैंड के साथ, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगी। ये हम जो है फंडन पहुँच गए हैं, तो माशाल्लाह बच्चे जो हैं देखें कितने खुश हैं। तो माशाल्लाह फिर दिखाती हूँ अंदर से भी आपको कि बच्चे की छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, जिनमें बच्चे खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं। ज़हरा का बस यही है कि फंडन ले जाएँ बाबा, झूले पर ले जाएँ, आइसक्रीम के लिए ले जाएँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं, जब बच्चे खुश हैं तो देखें हम भी खुश हैं। अब हमारी जो ज़िंदगी है वो अपने बच्चों के लिए है। जब हमारे बच्चे खुश और मुतमईन हैं अपनी ज़िंदगी में तो हम भी खुश और मुतमईन हैं। तो फिर ये ज़हरा के हमारे मेरी और मेरे हस्बैंड की तरफ से ये ज़हरा का गिफ्ट है। ये फंडलाइन लेकर आए हैं अभी मुझसे और आइसक्रीम के लिए लेके जाएंगे। ये हमारी तरफ से ज़हरा का गिफ्ट है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स दें और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।